फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल स्विमिंग बाय मनी, दूसरा टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की स्विमिंग की वीडियो दिखाने वाला हूँ ब्रह्म सरोवर में। बहुत बड़ी वीडियो, बल्कि बहुत बड़ा सरोवर है, आपको भी दिख जाएगा। तो वहाँ मैंने ये शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे साउंड चल रहा था बैकग्राउंड में, बल्कि हल्का हल्का वजन चल रहा था, उसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता था। इस वीडियो में आपको पता चलेगा नहर में, नदी में, समुद्र में कहाँ गहरे पानी में कैसे स्विमिंग करते हैं, और ड्रिल्स है इसमें भी, ड्रिल्स है, और स्विमिंग चिंटू की हुई है, कितनी प्रैक्टिस चल रही है, वो सारी दिखाने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देखे, आपको पता लग जाएगा, जो आपको स्विमिंग से डर लगता है ना, वो दूर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें, टाइम ना वेस्ट करते हुए। हाँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, तो सबका लिंक, टिकटॉक का भी है, ज्वाइन कर लो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि चिंटू ने फ्री के राउंड मार लिए। जिसको स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती वो ऐसी जगह पे भी कर सकता है। ब्रह्म सरोवर बहुत बड़ा है, चेक कर सकते हो कितना बड़ा ब्रह्म सरोवर है। चिंटू अभी कल ही किक प्रैक्टिस कर रहा है फ्री स्टाइल की, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है। ये उनके लिए है जो कहते हैं हमारे पास सरोवर, मतलब कि स्विमिंग पूल नहीं है, हम कहाँ प्रैक्टिस करें। तो अभी चेक कर सकते हो, ये सरोवर है, इसकी जो रेलिंग देख रहे हैं, इसकी परली साइड में है 15 फुट गहरा पानी, ठीक है। आज चिंटू का फर्स्ट डे है ब्रह्म सरोवर में, तो फिर मैं इसको यहाँ करा रहा हूँ। तो इसके तुरंत, मतलब कि कल या परसों तक मैं इसके पार वाली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें ये गहरे पानी में प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। गहरे पानी में प्रैक्टिस मैं भी साथ में जाऊंगा, ऐसे अकेले को नहीं भेजूंगा क्योंकि इसकी प्रैक्टिस इतनी है नहीं। तो गहरे पानी में वैसे तो इसको तैरना आता है, कोई इशू नहीं है, पर फिर भी थोड़ा होता है ना कि तैरते समय भींगा ना चला जाए, ज़्यादा भींगा ना चला जाए, तो ये सिस्टम रहता है। तो इसके नीचे थोड़ा घास भी है, बंदा नर्वस हो जाता है ना, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, जो शेड्यूल मैंने आपको स्विमिंग पूल में बताया वो सेम शेड्यूल यहाँ कर सकते हो आप। एक बात याद रखना कि जब भी आपने पानी में जाना है तो आपके जो शोल्डर तक पानी होना चाहिए। शोल्डर तक पानी होगा, उसका बेनिफिट क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आप इजिली खड़े हो पाओगे, जिसके कारण आप गिरोगे नहीं। अगर आप कम पानी में खड़े होने की कोशिश करोगे तो आप बार बार गिरोगे। अब चिंटू कर रहा है बैक की स्विमिंग, मतलब कि पहले इसने फ्री स्टाइल की स्विमिंग की, उसके बाद फ्री स्टाइल की किकिंग की, अब ये कर रहा है बैक की किकिंग, बैक स्ट्रोक पूरा कर रहा है, उसके बाद बैक की अकेली किकिंग करेगा। मतलब कि ड्रिल्स करवा रहा हूँ साथ के साथ, स्ट्रोक भी करवा रहा हूँ। जैसे पहले स्ट्रोक किया है फ्री स्टाइल, उसमें किकिंग की इशू है तो किकिंग कर रहे हैं। तो ये ब्रह्म सरोवर है, आपको मैं बता देता हूँ चिंटू कितने लॉन्ग राउंड मार रहा है, ठीक है। वो मैं आपको जगह दिखाई दूंगा कितनी कितनी, अभी आप चेक कर सकते हो। इसके हाथ चल रहे हैं और किक चल रही है, किक कम चल रही है, किक की प्रैक्टिस कराएंगे। और ये सामने आप देख रहे हो थोड़ा सा बना हुआ है, रेड रेड से पिलर बने हुए हैं, जहाँ तक इसने करना है, मतलब कि यहाँ तक बैक करेगा, ठीक है। और इसकी दूसरी साइड पुल बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, अभी आगे दिखा दूंगा, आप पूरी वीडियो देखना। और ये है उनके लिए जो कहते हैं नहर में कैसे करें, नहर में तो पानी चल रहा होता है। कोशिश करूँगा कि आपको नहर की भी एक वीडियो दे दूँ, जिसको रावी रावी कहते हैं, रावी क्या कहते हैं, तो ये पानी अभी यहाँ पे चिंटू कर रहा है, यहाँ पे है साढ़े तीन फुट है, ठीक है, साढ़े तीन फुट है, मतलब कि इनफ है। ये पानी काफ़ी हैवी होता है, मतलब कि अगर इसमें बच्चा जो प्रैक्टिस कर रहा है तो जेन्युइन ही है, वो स्विमिंग पूल में तेज करेगा, ठीक है। इसको खींचने में जोर लगता है और ये पानी काफ़ी हद तक साफ भी रहता है। अगर हरा हरा देखें हम सोचते हैं कि पानी गंदा है तो नहीं, क्योंकि चलता हुआ पानी भी नहीं गंदा होता, और ज़्यादा क्वांटिटी में पानी बहुत कम गंदा होता है, खासकर जिसमें मशीनियाँ हो उसमें गंदा नहीं होता, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये अकेली बैक की किकिंग कर रहा है। इससे क्या होता है, किकिंग की स्पीड बढ़ जाती है, हमारी स्विमिंग की स्ट्रोक की स्पीड बढ़ जाती है। बिगिनर के लिए मैं बता देता हूँ कि बिगिनर के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ब्रीथिंग अगर आप आती है, सांस लेना आता है, उसके बाद आपको फ्री किकिंग की कर ली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप रेलिंग पकड़ के प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, जैसे सरोवरों में संगल लगे होते हैं, कुछ भी, अपनी सेफ्टी पहले इंपॉर्टेंट रखनी है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट रखनी है, उसके बाद आपने करना है, ठीक है जी। ड्रिल्स और बकायदा स्विमिंग साथ में कर रहे हैं हम दोनों, एक साथ कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि पहले हमने स्ट्रोक कर लिया, उसके बाद उसकी वीकनेस के ऊपर काम कर लिया, ये कंटिन्यू करना है। इससे क्या होगा, इससे चिंटू मेडल लेके आएगा, उसका स्टैमिना बढ़ जाएगा। इसमें वो सामने आप पूल देख रहे हो, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वो सामने पूल है जो आपने देखा है, वहाँ तक ये नॉन स्टॉप करेगा। इससे क्या होगा, इससे स्टैमिना बढ़ जाता है, माइंड को पता कि हमें इतनी दूर तक किकिंग करनी है। स्विमिंग पूल में 50 मीटर या फिर क्या कहते हैं जो टर्न मारना पड़ जाता है, उसका इशू रहता है, मतलब कि अब नॉन स्टॉप चल रहा है बच्चा, तो ज़्यादा बढ़िया स्पीड रहेगी ना, जैसे 50 मीटर करना हो या 25 मीटर करना हो, तो सपोज करो जिसने 300 मीटर तक किक की है तो कितना रहेगा। मैंने उसको स्किप करके आगे बटरफ्लाई आ गया, बटरफ्लाई का स्ट्रोक कर रहा है, ये चेक कर सकते हो। वो सामने थड़े से लेके वो इधर जो पीछे पूल है वहाँ तक, मतलब कि जो पूल आपने देखा है, पूल बना हुआ है कि मंदिर तक, मतलब टोटल आपको एस्टीमेट बताता हूँ 300 मीटर तक है वो, 300। वैसे पूल होता है 25 मीटर और 50 मीटर का, जी 300 मीटर तक का पूरा एक राउंड, बल्कि वहाँ तक जाएगा ये 300 मीटर हो जाएगा, 300 से थोड़ा सा शायद ज़्यादा है, पर नहीं कम है, थोड़ा सा कम है मेरे ख्याल से,
300 मीटर बहुत हो जाता है। अभी ये बटरफ्लाई कर रहा है, बटरफ्लाई किया, इसके बाद हम डॉल्फिन करेंगे जिसमें हाथ पीछे रहेंगे और कली हैंड मूवमेंट रहेगी, ठीक है, जिसके कारण हमारी डॉल्फिन की किक अच्छी हो जाती है। किक अच्छी होगी तो हमारी स्पीड डॉल्फिन में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। हाउ टू लर्न स्विमिंग में जी आपको सारी टेक्निक्स मतलब कि बढ़िया रहेगी, कि अगर आपके पास नहीं है कोई स्विमिंग पूल या वगैरह वगैरह तो आप सरोवर में भी कर सकते हो, छप्पड़ में भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आप ये सोच लो कि इसमें रेलिंग नहीं है। एक बात ध्यान रखना कि पानी चाहे गहरा हो चाहे कम गहरा हो, आपने हमेशा पानी के ऊपर तैरना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गहरा है चाहे कम गहरा है। माइंड में एक कॉन्सेप्ट सेट करना है आपने कि हमने जो स्विमिंग करनी है वो हमने गहरे में करनी है, ठीक है, पानी के ऊपर करनी है, हमें पानी के नीचे से कुछ लेना देना नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे आपका गहरा पानी हो जाएगा वहाँ पे आपका जहाज जोर लगेगा, जहाँ पे नहीं है गहरा पानी वहाँ पे आपका कम जोर लगेगा, बस यही फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं आएगा। बाकी आप माइंड में जब ये कॉन्सेप्ट लेके चलोगे कि हाँ भी हमने पानी के ऊपर तैरना है, फिर आपको डर भी नहीं लगेगा, कहीं को पानी में जाने से बहुत डर लगता है। और हाँ एक चीज़ और, मैं सॉरी मांगता हूँ, मेरे बैकग्राउंड में बहुत शोर है और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा था, वहाँ पे बैकग्राउंड में मैं साउंड दे सकता था, पर दिक्कत ये हो रही थी कि वहाँ पे बैग में वजन चल रहे थे और उस वजनों की वजह से मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता, क्योंकि वो टी सीरीज ने कहीं ने लॉन्च किए हुए हैं, मतलब कि टी सीरीज ने अपलोड किए हुए हैं, तो कई सब ने किए हुए, मतलब कि अलग अलग चैनलों तक किए हुए हैं, तो उसी हिसाब से मैंने इसको पॉज कर करके इसका बैकग्राउंड का साउंड काट के लिए हुआ है। तो ये पुल देख रहे हो आप, मंदिर का ये पुल है, ठीक है, यहाँ से लेके वो सामने थड़ी आएगी ना वहाँ तक करना है, आज ये मैं एक्स्ट्रा जूम किया था, वो सामने देख रहे हो, जी जी को यहाँ तक करना है इसमें, ठीक है ना। अब आपको क्लियर हो गया कि कितना लंबा हो रहा है, बस यहाँ से यहाँ तक। अब आगे ब्रेस्ट स्ट्रोक पे, मतलब कि बटरफ्लाई की ड्रिल्स पे, ड्रिल में क्या करना है, हाथ पीछे रखने हैं और सेम पूरी बटरफ्लाई करनी है इसमें, पूरी बटरफ्लाई, इससे क्या होता है किक फास्ट हो जाती है और दूरी भी पता लग जाती है, हमने दूरी कैसे मतलब के साथ कितनी दूरी तय कर रहे हैं। ये अंदर की किक, इसको बार बार बोल दो सोलड कर, और इसकी प्रैक्टिस चल रही है और आई होप कि इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार हम मेडल ले आए, और आपको हरियाणा स्टेट की भी आपको वीडियो मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, आप टेंशन ना लो, और स्विमिंग आपको मिलती रहेगी। बीच में मैंने चिंटू को रोक के मैंने बोला था कि इसके पैर अंदर वाली सोलड किक कर, तो थोड़ा रहता ना कि फर्स्ट डे है तो पानी में बर्फ सोड़ के पानी में, ये पानी का स्विमिंग पूल से 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट इसमें है पानी में स्विमिंग करने में, ठीक है ना। इसमें बेनिफिट ये है कि एक तो ये अपनी बॉडी को कोई डैमेज नहीं करता, मतलब कि नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है, और दूसरी बात कि अगर ये बाई चांस अंदर भी चला जाए आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, पानी एकदम साफ है ये, ठीक है, तो मतलब कि ज़्यादा चला गया तो दिक्कत होगी, पर अगर थोड़ा बहुत चला गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इसके बाद अगर आप शावर नहीं भी लेते हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये साफ़ सुथरा पानी है, एकदम मीठा पानी है, आप नहा सकते हो उसमें इजीली, ठीक है ना। सरोवर के पानी में जो स्विमिंग पूल का पानी है उसमें आपको बाहर आकर शावर लेना जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इचिंग होने लग जाएगी अगर आपने शावर नहीं लिया साबुन से। तो अभी ये ब्रेस्ट की अकेली किक कर रहा है तब ये इतनी दूर निकल रहा है, ब्रश नहीं कर रहा पूरी, ये कली किक कर रहा है, ब्रश कर रहा है पूरी, अभी यार इतनी दूर से दिख नहीं रहा, ब्रश कर रहा है पूरी, किकिंग कर रहा है। इसको मैंने बोला था कि अब ब्रश की किक करनी है, तो उसके बाद इसने ब्रश की किक की थी, अभी ये पूरी ब्रश कर रहा है, ब्रश की किकिंग की अभी प्रैक्टिस आपको मैं दिखा दूंगा थोड़ी फॉरवर्ड करके, ठीक है। अभी आप चेक कर सकते हो कहाँ डूब रहा है कहाँ निकल रहा है, और जी ज़्यादा होल्ड कर रहा था, फिर मैंने इसको बोला था कि ज़्यादा होल्ड नहीं करना, आपने कम होल्ड करना है, जिसके कारण आप टाइम कम लगेगा, इसमें काफ़ी बेनिफिट रहता है, इसमें किक में काफ़ी पावर आ जाती है। बस मुझे टेंशन हो रही है कि इसकी डाइविंग का कहाँ करें जुगाड़, डाइविंग का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, यहाँ हम डाइविंग नहीं कर सकते, यहाँ डाइविंग के लिए हमें थोड़ा सा चाहिए और वो ज़्यादा ऊँचा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो मुझे नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको इसमें काफ़ी कुछ मतलब कि मोटिवेट हुए होंगे, आपको लगा होगा कि हाँ अभी अगर हमारे पास स्विमिंग पूल नहीं है हम कहीं और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, ये हम ही कर रहे हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ये ब्रह्म सरोवर है, ठीक है, तो आप वहाँ आके मतलब कि मत्था टेक सकते हो, ये सामने मंदिर है, यहाँ पे अच्छा बना हुआ है मंदिर, और सामने आगे रथ भी है, मतलब कि काफ़ी मतलब कि प्रसिद्ध जगह है ये, ठीक है। तो ये वहाँ तक पहुँच के आप ये बैक की किकिंग इसको करवा रहा हूँ द्वार की, क्योंकि इसके नहीं फोल्ड हो रहे थे, तो ड्रिल्स आगे पीछे हो गया, टाइमिंग मैंने नाम आगे पीछे दे दिया उसके लिए सॉरी। तो चेक कर सकते हो ये जब कर रहा था शाम के 6 बज गए थे, हम 3 बजे गए थे, 4 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी स्टार्ट की थी,
और शाम के टाइम हो गया था काफ़ी, मुर्गी 6 बज गए थे। अभी देख लो ये मुर्गी लाइट लूटे सारी जग गई है, तो मेरा फ़ोन काफ़ी अच्छा शूट कर रहा है, तो इसलिए मैंने अपग्रेड कर दिया अपने फ़ोन को। तो अभी इसको ना टावल डाल के कॉस्ट्यूम उतारना नहीं आ रहा था, मैं इसको बहुत सिखा रहा था, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली, तो ये कह रहा था उतर नहीं रहा कैसे करूँ, फिर मैंने इसको बताया कि ऐसे ऐसे करो कॉस्ट्यूम डालो। अरे छोटा है ना अभी, इसने ऐसे मतलब कि स्विमिंग पूल में तो जाकर ये चेंज कर लेता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चलो वीडियो का एंड करते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने देखा कितना लंबा लंबा सफर करना पड़ता है और कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आज के लिए इतने काफी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो। और इसी तरह आपको एक हफ्ता तक तो वीडियो मिलेगी, उसके बाद आपको एक्सरसाइज बताऊंगा कि बाहर आपने स्विमिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है और वगैरह करेंगे। बाय, थैंक यू। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये है स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप स्विमिंग से रिलेटेड वीडियो देखते हो। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ और गैजेट्स की वीडियो बनाता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। थैंक यू, वॉच द वीडियो।